ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बुनियादी तौर पे हम सब फौजी अदालतों के मुतालिक केस के में वकला है, पर मैं एक बात ज़रा आपके ज़रिए सारी कौम से करना चाहता हूँ और मुतनब्बे करना चाहता हूँ, वार्निंग्स एक पहले से इतला देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी पंजाब से MNA और MPA मुंतखब हुए हैं, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी MNA MPA पंजाब से मुंतखब हुए हैं, उनके सहन में, हर एक के सहन में एक लाश गड़ी हुई है, एक ताज़ा ताज़ा कब्र में लाश पड़ी है, और वो हर इंतहा तक जाएंगे उस लाश को मख्फी रखने के लिए या ज़ाया करने के लिए। कोई केमिकल डाल दो, कोई इस किस्म का तेज़ाब डाल दो कि वो लाश ज़ाया हो जाए। और ये लाश, ऐसी ये लाश नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भी सेनों में मौजूद है। और वो लाश क्या है? वो लाश है फॉर्म 45। जितनी भी मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब में है, सब हर MNA MPA के सेन में दफन है और जिंदा दरगोर हैं। उन तक पहुंचना, उनका हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्होंने एक पैटर्न बना लिया है जो 2013 में भी, 18 में भी और 24 में भी इस्तेमाल किया गया, कि बैग की सीलें तोड़ के और उसमें से सिर्फ फॉर्म 47 को बचा लो, महफूज कर लो, और बाकी जो इलेक्ट्रल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़ाया कर दो, तलफ कर दो। या फॉर्म 47-45 में जो इस दफ़ा इन्होंने किया है, उसमें काट झाट के ओवरराइटिंग करके 14 को 614 वोट बना के, 22 के 822 वोट बना के, सारी फॉर्म 45 में ओवरराइटिंग करके, जैसा कि नवाज शरीफ की फॉर्म में आपने देखा, जब इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी ही वेबसाइट पे, सरकारी तौर पे ये फॉर्म लगाए, तो सारी दुनिया ने देखा, जब देख लिया, लोग देख रहे थे, खबर फैल रही थी, तो यकदम 4 घंटे के अंदर अंदर वो डाउनलोड कर लिए, उन्होंने अपलोड कर लिए जो फॉर्म थे, और अब वो गायब किए हुए हैं, अब वो लगाते ही नहीं हैं। जिस तरह भी लगाएं, फॉर्म 45 में और फॉर्म 47 के दरमियान एक तफावत आती है जो नहीं होनी चाहिए। दोनों में टोटल एक जितना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये फॉर्म उनकी एक, उनके खिलाफ़ एक इंडाइटमेंट है, एक फ़र्ज जुर्म है, और ये फ़र्ज जुर्म हर मुस्लिम लीग नवाज के MNA और MPA पंजाब के पे लग रहा है। और इसको, इन फॉर्म को देखने के लिए, इनको, इनका जायज़ा लेने के लिए सेक्शन 100 के तहत रेमेडी है, हर शहरी दरख्वास्त दे सकता है कि वो फॉर्म 45 की नकल मांगे, हर बैग में से नकल मांगे, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, और कोई ये भी शर्त नहीं है कि उसका कोई लोकल स्टैंड आई हो, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मांगे लोग अपने अपने हलके के थैले में से, फॉर्म 45 के लिए दरख्वास्तें दें, और अगर ना निकलें या देर करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, तो फिर उसको अदालत में लेके जाएं। अदालत, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और चूंकि
ज़्यादा अगर लोग हो जाएं तो ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकेगी, पर इसको नहीं छोड़ना। फॉर्म 45 वो तलब कर रहे हैं, एक साल के अंदर, एक साल के बाद इलेक्शन कमीशन को इख्तियार, मशरूत इख्तियार मिल जाता है कि वो फॉर्म और डॉक्यूमेंट ज़ाया कर दे। पहले 5 साल था, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 1 साल कर दिया। वो 1 साल गुजारेंगे जिस तरह भी गुजारेंगे, और फॉर्म 45 को रिजेक्ट कराएंगे, क्योंकि वो एमएनए एमपीए फॉर्म 47 के हैं जिसमें सिर्फ नतीजा लिखा जाता है। वो किस तरह नतीजा अखज किया गया है वो सारा फॉर्म 45 में होता है, वो ज़ाया हो जाएगी जब तक आप वहाँ जाके सेक्शन 100 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 उनकी कापियों, फॉर्म 45 की कापियों की लिए दरख्वास्त दे दें। शुक्रिया। आज उन अपीलों की समाप्त थी जिसमें सिविलियंस को का मिलिट्री ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने उसको कलदम करार दिया था, और न सिर्फ ये बल्कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D के दोनों शिकें जो हैं उन्होंने कहा ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है, इसलिए जो 103-2 बाद में 105 हो गए, इन लोगों का जो ट्रायल किया जा रहा है, इनको जो आर्मी ने अपना कस्टडी में ले लिया है और इनका ट्रायल करने जा रही है कोर्ट मार्शल के ज़रिए से, ये उन्होंने कहा कि ये आइन के मुतसादिम है, कलदम है, लिहाजा उन्होंने उस तमाम प्रोसेस को वो गैर कानूनी करार दे के मुनहदम कर दिया। लेकिन इसमें 21 अपीलें जो हैं वो कर दी गईं वफाक की जानिब से भी और सूबों की जानिब से भी अपीलें कर दी गईं, और कुछ अपीलें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने की वफाक की जानिब से, और वो भी बिना काबीना की मंजूरी के, और जो कि वफाक की तारीफ मुस्तफ़ा इम्पैक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट कर चुकी कि वफाक जो है वो कोई सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा बल्कि वफाक पूरी काबीना की मंजूरी से वफाक मुतसर होता है। तो वो जब हुई तो उन्होंने अपीलें कर दी और अपीलों की जो है बेंच बना दी गई, काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस साहब ने बना दी गई, उस वक्त जस्टिस सीनियर ट्रिब्यूनल जज तारिक मसूद साहब की सरबराई में, सरदार तारिक मसूद की सरबराई में, जिस पर हमने उसी दिन अपील किया था, उसी दिन हमने एतराज़ किया था कि जनाब ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, इसलिए कि सरदार तारिक मसूद साहब वो उस 9 रुकनी बेंच का जिसकी तशकील साबका चीफ जस्टिस ने इन केसेस की समाप्त के लिए मुकर्रर की थी उसमें इनका जो है वो हिस्सा थे, और अगरचे बावजूद ये उसमें से जो है रिक्यूज कर गए लेकिन ये सुनने से कासिर है, इसलिए कि अगर आप उसका हिस्सा रहे हो तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील में आप समाप्त नहीं कर सकते। बार कैफ हमारे एतराजात को उन्होंने जो है ना नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ सुना बल्कि जुज़वी तौर पर उसको मुअत्तल कर दिया हुक्म को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को, और कहा कि ट्रायल हो सकता है लेकिन फैसला हतमी नहीं अनाउंस किया जाएगा। तो उसी के तसलसल में कई तारीखें लगती रहीं और हम हर पेशी पर हम इस तरसीमगी का आलम में हम बताते रहे कि हमारे जो महबूसिन हैं जिनको आज मिलिट्री कस्टडी में रखा गया है जिसका कोई जवाब नहीं है और रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सरीहन 167 जाब्ता फौजदारी की खिलाफ वर्जी है, वो जो है उनको अगर रखना भी मकसूद हो तो आम जेल में जेल मैनुअल के तहत रखा जा सकता है जहां उनकी मुलाकातों का एक शेड्यूल होता है, बाकायदा कानून मौजूद है। लेकिन अगर ये जेलें भी इस वक्त माशाल्लाह एस्टैब्लिशमेंट के कब्जे में है जो खुद इमरान खान साहब ने लिख के तहरीर दी हुई है कि यहाँ जो है ये अडियाला जेल जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के कब्जे में है और वही मॉनिटर करते हैं यहाँ सब कुछ, वो भी आइन और कानून के मावरा और मुतसादिम है। बार कैफ आज उसकी समाप्त जो है अपीलों की लगी हुई थी,
آج میں نے سب سے پہلے اعتراض کیا کیونکہ پچھلی تاریخ پر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے سات سات ہفتوں سے جو ہے نیازی وہ عباد اور دیگران جو ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے سات سات ہفتے نہیں دیا گیا, اور حفیظ اللہ نیازی صاحب تو خود موجود تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حسام نیازی کی بارے میں کہا کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے, اور جن کو ملاقات کرنے بھی دی گئی وہ سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ ان کے پاؤں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے ان کو کر کے, اور چہرے میں ہڈ بلیک کالا ہڈ ڈال کر, اور ان کو بھی اوپر دو فرشتے کھڑے ہو کر اور ان کی ملاقات کرواتے تھے تاکہ وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے اپنے والد یا اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے ساتھ. تو ایسے میں جب ہم نے اعتراض کیا تو اٹارنی جنرل کو اس بینچ نے کہا, اور فیصلے میں بھی حکم میں بھی لکھا, تو آج اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میں نے یہ جی ملاقاتیں ان کی ہو گئی ہیں, لیکن آج میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ایک شخص عباد فاروق, عباد میاں عباد فاروق, جس کا 5 سال کا بیٹا بیچارہ, 5 سال کا بچہ, معصوم بچہ شہید ہو گیا, فوت ہو گیا, مر گیا, اس کو وہاں بھی جنازے پر بھی نہیں جانے دیا گیا, اور اس کا جو ہے ملاقات پھر نہیں کروائی گئی. 1 مہینے 7 ہفتوں سے وہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی, اور اس کا اٹارنی جنرل نے کہا اور کہ جی آج ہوگی. پھر جج صاحبان نے اس کو بلوا کر, جو ان کا بریگیڈیئر آئے ہوئے تھے لیگل آفیسر جو بھی تھا, اس کو کہا کہ بھائی ان کی بات سنیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, لیکن اس عباد یوسف کا جو ہے, عباد فاروق کا بھائی جو ہے وہ آیا ہوا ہے, اور اس نے جس قسم پشتی کے عالم میں بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے, جبکہ بچہ ایک معصوم شہید ہو گیا, فوت ہو گیا, تو اس کے تک بھی جنازے میں وہ شریک نہیں ہوا باپ جو ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی جس کے ساتھ, اور پھر ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے. تو جج صاحبان نے ایک جو عباسی صاحب ہیں جج صاحب, انہوں نے کہا دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی تو مت کرو کم از کم. تو سرزنش جو ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے بھی اس بارے میں ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہم تو اشکبار ہو جاتے ہیں جب یہ داستانیں سنتے ہیں.